everyone, this is Rohit from Adventure First Blogs. Hope you have enjoyed the previous video of Mount Everest Base Camp Trek. और अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया है तो उसे ज़रूर देखें और उसमें आप देख पाएंगे हाउ आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लबुचे टू गोरखशेप और गोरखशेप से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। गाइस, जब मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप गया था तो वेदर काफ़ी ख़राब था, काफ़ी सारा क्लाउड हो रहा था, स्नोफॉल हो रही थी, -25 से भी ज़्यादा टेम्परेचर। आप उस पूरे एक्सपीरियंस को आप देख पाएंगे और अगर इस जर्नी को प्लान कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरीके की प्रिपरेशन आपको करके वहाँ पर जाना होगा। माउंट एवरेस्ट तक पहुँच गए और अब तैयारी थी वापसी की। मन तो नहीं कर रहा था लेकिन वापस तो आना ही था। मैंने अपने पुराने एपिसोड में भी कहा है गाइस कि माउंट एवरेस्ट के ट्रैक का हर दिन का एक अलग एक्सपीरियंस है और उससे जुड़े हुए चैलेंजेस भी। कुछ ऐसा ही था मेरी इस वापसी की जर्नी में। गोरखशेप से लुखला तक का जो डिस्टेंस था वो था 65 to 70 किलोमीटर और ये डिस्टेंस मुझे कवर करना था 2.5 डेज में, क्योंकि मुझे लुखला पहुंचने के बाद अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट में कुछ चेंजेस कराने थे, क्योंकि अब COVID-19 के इफ़ेक्ट्स दिखने लगे थे। आगे आने वाले टूरिस्टों से मैं उनका अपडेट ले रहा था और कभी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टॉप हो सकती थी, उनका नोटिस आ सकता था। तो मुझे सारे रिस्क लेने थे लेकिन अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट मिस नहीं करनी थी। तो 2.5 डेज के अंदर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस 18 kg बैग के साथ, वो भी उन नैरो ट्रेल्स पे, टारगेट बहुत टफ था लेकिन शायद इसी में मजा था। और मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ योर बॉडी कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, इट्स योर माइंड, यू हैव टू कन्विंस। सो टारगेट लिया और बहुत अच्छे से मैं इस जर्नी को कर पाया। और डे 8 की जर्नी में आप देखेंगे कि हाउ आई हैव स्टार्टेड फॉर कालापत्थर समिट और उसके बाद पूरे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक को मैं कवर कर पाया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस जर्नी का, देखते हैं कैसा रहेगा वो रास्ता। डे 8 की जर्नी स्टार्ट होती है काला पत्थर समिट के साथ, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक और शायद इस पूरी जर्नी का सबसे टफ और चैलेंजिंग पार्ट, जिसका मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है 18,209 फीट, जहां से माउंट एवरेस्ट का सनराइज व्यू एंजॉय किया जा सकता है। और उसके साथ साथ इस लोकेशन से माउंट एवरेस्ट के आसपास की पूरी माउंटेन रेंज को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। आई थिंक सबसे अच्छा व्यू इस पूरे ट्रैक पे यही है, लेकिन यहाँ तक आना बहुत टफ है। काफ़ी स्ट्रगल करते हुए मैं यहाँ पर चढ़ा और कम टाइम होने की वजह से ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए मैंने वापस आना शुरू किया। कैमरा और मोबाइल की बैटरी वीक होने की वजह से मैं ज़्यादा फोटो क्लिक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ चार्जिंग के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अब वापस आके मुझे आगे की जर्नी स्टार्ट करनी थी और ब्रेकफास्ट के बाद फिर आगे बढ़ना शुरू किया। और आगे बढ़ते हुए इस लोकेशन से काला पत्थर का और माउंट पोमोरी का एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला। इस रास्ते को फॉलो करते हुए काला पत्थर समिट के लिए जाते हैं, लेकिन ये आसान सा दिखने वाला रास्ता इतना आसान नहीं था। मॉर्निंग 4 o'clock इस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था और टेम्परेचर -25 से भी ज्यादा, और मेरा फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड समिट अबव 18,000 फीट, जिसको कंप्लीट करने के बाद ही समझ में आया कि किसी भी माउंट समिट को करने का क्या मजा है, क्योंकि जितना स्ट्रगल करके आप वहां तक पहुंचते हो उससे कई ज्यादा गुना अच्छी फीलिंग आती है उसके कंप्लीट होने पर। चलो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं कहूंगा इस जर्नी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था काला पत्थर समिट, जहां से कुंबू रीजन की बेस्ट माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। और इन माउंटेन पीक्स को एंजॉय करने के बाद अब आगे बढ़ना शुरू किया। देखे हुए से उन रास्तों पर चलने का भी एक अलग एक्सपीरियंस था जहां पर मैं कभी स्ट्रगल कर रहा था, और मनी मन मुस्कुराते हुए मैं अपनी इस जर्नी पे आगे बढ़ रहा था। कुछ बात तो थी आज की इस जर्नी में, क्योंकि इतना साफ वेदर मैंने पहले ट्रैक पे कभी भी नहीं देखा था, जहां से दूर तक माउंटेन पीक्स को देखा जा सकता था। और रास्ते में आगे बढ़ते हुए कुछ और टूरिस्ट भी मिले, जिनके साथ बात करते हुए और साथ चलते हुए काफी रास्ता कट गया। थोड़ा बात करने पर मालूम पड़ा वो हांगकांग से थे और अपनी इस जर्नी के बारे में काफी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। आगे बढ़ते हुए बार बार पलट के उन माउंटेन्स को देखने का मन कर रहा था जहां से मैं होकर आया था, और अपनी लॉन्ग अवेटेड ड्रीम जर्नी को करने का क्या मतलब होता है वो भी समझ पाया। वर्ल्ड के टॉलेस्ट माउंटेन के बेस कैंप पे होने की क्या फीलिंग होती है
अब उसके साथ आगे बढ़ते हुए लग रहा था कि दुनिया की कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं जहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। आगे बढ़ते हुए कुछ और टूरिस्ट भी दिखे जो कि बेस कैंप ही जा रहे थे। उनके ग्रुप का साइज काफी बड़ा था। इमरजेंसी केसेस में टूरिस्ट को अगर रेस्क्यू करना है तो उसके लिए ऑप्शन सिर्फ हेलीकॉप्टर का है, और आज जाते हुए काफी सारे हेलीकॉप्टर देखने को मिले। आगे का ये पूरा रास्ता एक ग्लेशियर से होके जाता है जहां से माउंट लोत्से को भी देखा जा सकता है, और आगे चलते में कुछ ऐसा लगता है कि आप फ्रोजन रिवर के ऊपर चल रहे हो जो कि काफी रिस्की भी होता है, और वहां पर इंजरी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि आपका पैर कभी भी स्लिप हो सकता है। तो बहुत ही केयरफुली उस रास्ते पर आगे बढ़ना था। और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है ये एक फ्रोजन रिवर है जहां से साइड से पानी के बहने की आवाज भी आ रही है, लेकिन ये बहुत रिस्की भी हो सकता है क्योंकि ये नहीं मालूम कहां से आइस ज्यादा मेल्ट हो रही है। थोड़ा और देखने पे मालूम पड़ा कि वो काफी सॉफ्ट है और वहां से नीचे से पानी भी बह रहा है और आइस मेल्ट हो रही है, और इस ग्लेशियर का पानी ही आगे दूध कोसी रिवर में जाके मिलता है। बहुत केयरफुली मैं वहां पर आगे बढ़ रहा था। और कई बार मेरा यहां पर पैर स्लिप हुआ और मैं गिरते गिरते बचा। और इस फ्रोजन रिवर पर भी चलने का एक अलग ही मजा था, या मैं कहूं यही है इस ट्रिप की ब्यूटी। लेकिन आगे बढ़ते हुए थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि जहां से आइस मेल्ट हो रही थी वहां पर आइस बहुत सॉफ्ट थी, तो उसके टूटने का डर लगा हुआ था। और इस फ्रोजन रिवर को देखने के बाद मुझे अपने इंडिया में लेह लद्दाख की चादर ट्रैक की याद आती है जो कि मेरी विश लिस्ट में है। समझ सकता हूं कि वो एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा और जल्दी ही मैं उसको पूरा करूंगा। वैसे तो माउंट एवरेस्ट के ट्रैक का हर दिन का एक एक्सपीरियंस है और हर दिन का एक अलग व्यू, लेकिन कुछ रास्ते इतने सुंदर हैं जिनको देखते हुए मन नहीं भरता। आज की इस जर्नी में मुझे एक बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है और मैं बहुत स्पीड से भी चल रहा हूं, लेकिन ऐसे किसी व्यू को देखते हुए बिल्कुल थकावट नहीं होती, और मेरे लिए तो पैराडाइज यही है। वैसे तो यहां से लबुचे तक ये पूरा एक ग्लेशियर वाला पार्ट है, लेकिन जहां जहां पर आइस मेल्ट हो रही है वहां पर चलना थोड़ा सा टफ होता है। और अब तक मैं अपनी 2 घंटे की जर्नी कंप्लीट कर चुका था और लबुचे पहुंचने वाला था, लेकिन अभी तक का ये जो रास्ता मैंने कवर किया था ये पूरा एक ग्लेशियर वाला पार्ट था जहां बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चला जाता। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस स्पीड से चलूंगा तो शायद ये डिस्टेंस कवर नहीं होगा, क्योंकि अब इस पूरे रास्ते को बहुत जल्दी से कवर करने का प्रेशर भी था। और देखते ही देखते मैं लबुचे पहुंच गया, कुंबू एवरेस्ट रीजन का एक छोटा सा विलेज जहां पे काफी सारे कलरफुल टी हाउसेस हैं और लंच डिनर करने के भी काफी सारे ऑप्शन। अब टाइम था एक शॉर्ट टी ब्रेक का, तो मैं पहुंचा होटल EBC, और अब टाइम था अपनी मॉर्निंग टी को एंजॉय करने का। मेरी रिक्वेस्ट पे उसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड कर दिया और वो बन गई मसाला टी। तो देखा जा सकता है कुंबू रीजन के टी हाउसेस किस तरीके के होते हैं, और यहाँ पर रुकने का भी एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत जल्दी से टी फिनिश करने के बाद आगे बढ़ना शुरू किया, और 15 मिनट के उस शॉर्ट ब्रेक के बाद अब बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। और आगे का ये पूरा रास्ता ग्लेशियर वाला पार्ट ही था जहां से इस पूरी माउंटेन रेंज को बहुत अच्छे से देखा जा सकता था, और शायद साफ मौसम होने की वजह से एक अलग ही एक्सपीरियंस था। थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ और हेलीकॉप्टर देखने को मिले, शायद कल काफी वेदर खराब होने की वजह से कुछ टूरिस्ट का रेस्क्यू किया गया है।
और थोड़ा आगे बढ़ते ही दो रास्ते देखने को मिलते हैं जो कि इस पूरी फ्रोजन रिवर को फॉलो करते हुए जाते हैं। इस फ्रोजन रिवर को क्रॉस करके मुझे अपने आगे रास्ते पे जाना है और इस रास्ते को फॉलो करते हुए चोला पास निकल सकते हैं अगर आप थ्री पासेस का ट्रैक कर रहे हैं तो। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो भी एक फ्रोजन रिवर है और थोड़ा आगे बढ़ते ही जहां पर मैंने पैर रखा वहां आइस बहुत सॉफ्ट थी, तो जिस आइस के ऊपर मैं खड़ा हुआ था वो बोरी टूट गई। 2 मिनट तक तो समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है और बहुत धीरे धीरे मुझे उस पर आगे बढ़ना था क्योंकि जहां पर वो काफी सॉफ्ट थी वहां पर वो कभी भी टूट सकती थी। और इस रिवर को क्रॉस करते हुए कुछ आइडिया नहीं था कि ये अंदर कितनी गहरी है। फिर धीरे धीरे उसको क्रॉस करके दूसरी वाली साइड से अपने इस रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू किया। आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये रास्ता हर कदम एक नया व्यू लेकर आ रहा था और जहां तक नजर जा रही थी वहां तक या तो ये फ्रोजन रिवर दिख रही थी या फिर माउंटेन्स के स्नो पीक्स। और समझ ही नहीं आ रहा था कि डिक्शनरी से ऐसे कौन से वर्ड्स निकालूं जिससे इस ब्यूटी को मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। और हर वक्त मुझे ये लग रहा था क्या कोई जगह इतनी सुंदर भी हो सकती है, यहाँ वो हर चीज थी जो एक इंसान देखना चाहता है, चाहे वो एक बहुत साफ मौसम हो या फिर माउंटेन्स के स्नो पीक्स या फिर एक फ्रोजन रिवर और एक बहुत तेजी से चलती हुई हवा जो बार बार आपको सर्दी का एहसास करा रही हो। काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसी किसी जर्नी पे कोई सोलो जाता है क्या, लेकिन मैंने आंसर दिया यस, ऐसी किसी जर्नी पे सोलो ही जाया जाता है। या मैं ये कहूं सोलो जर्नी अपने आप को दिया हुआ वो मौका है जहां आप नेचर के साथ साथ अपने आप को भी एक्सप्लोर कर पाते हो। अपने रास्ते को खुद एक्सप्लोर करना, रास्ते में आए हुए किसी भी अच्छे व्यू को देख के रुक जाना, माउंटेन्स के पीक्स को जी भर के देखना, ट्रैक करते हुए थक के गिर जाना लेकिन हार ना मानते हुए दोबारा खड़े हो जाना, टफ सिचुएशन में एडजस्ट करना और उनकी कंप्लेन किसी से ना कर पाना, कोई टाइम लिमिट ना होना, माउंटेन्स के पीक्स को क्लाउड से बार बार कवर होते देखना और दोस्तों की उन आवाजों को मिस करना, चल यार चलते हैं, चल भाई लेट हो रहे हैं, अब चले भी कितने और फोटो लेगा, जहां मन करे रुक जाना, जो जगह मिल जाए वहां एडजस्ट करना, अपने रास्ते में गुम हो जाना और फिर सही रास्ते की तलाश करना, कुछ ऐसी ही तो होती है सोलो जर्नीज। तो सही कहा ना मैंने दोस्तों, सोलो जर्नी अपने आप को दिया हुआ वो मौका है जहां आप नेचर के साथ साथ अपने आप को भी एक्सप्लोर कर पाते हो। तो गाइस आप देख सकते हैं वो है वो लोकेशन जहां से मैंने अपने इस रास्ते को स्टार्ट किया था, जहां पर एक डायरेक्शन आया था, ये रास्ते को फॉलो करते हुए इस तरीके से मैं यहां तक पहुंचा। और ये जो सामने वाला रास्ता है इस तरीके से थोड़ा सा अपहिल ट्रैक, ये आगे जाता है चोला पास का, 3 पासेस के ट्रैक का, देख सकते हैं ये रास्ता कितना सुंदर। और थोड़ा आगे चलते ही मैं पहुंच गया दुगला एवरेस्ट मेमोरियल, जहां पे उन माउंट क्लाइंबर्स की मेमोरीज हैं जिनकी डेथ माउंट एवरेस्ट या आसपास के कुछ और माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हुए हो गई। और हर मेमोरीज पे एक मेमोरी स्टोन लगा हुआ था जिस पर काफी अच्छा मैसेज भी लिखा हुआ था। थोड़ा टाइम वहां पर स्पेंड करते हुए देखा जा सकता है ये काफी बड़े एरिया में बना हुआ है और शायद ये वो जगह है जो दिल को छू लेती है, जहां पर हर माउंट क्लाइंबर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है
और उन माउंट क्लाइंबर्स की मेमोरीज पे मैंने काफी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं वहां ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। वहां पर कुछ और टूरिस्ट भी मिले और अगर आप किसी गाइड के साथ हैं तो हो सकता है वो आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बता पाए। अब बहुत तेजी से मैंने इस रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू किया। आगे का रास्ता कंप्लीटली डाउनहिल ट्रैक था और मेरा अगला टारगेट था थोकला विलेज। और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि ये रास्ता कितना टफ है। इस रास्ते पे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब मुझे लेना था एक शॉर्ट ब्रेक और आगे की जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी। Hey guys, so second break at Thokla और यहाँ से अब मैं जाऊँगा परिचय के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक लिया है मैंने यहाँ पर फॉर अबाउट 10 मिनट्स और उसके बाद मैं आगे की जर्नी स्टार्ट करूँगा। थोकला एक अच्छी जगह है, मतलब यहाँ पर लोग स्टे करते हैं और गेटवे होने की वजह से यू कैन हैव सम टी वाटर लंच व्हाटएवर लाइक। यहाँ से ऑलमोस्ट थोड़ी देर की जर्नी परिचय, देन वहाँ से पहुंचे। देखता हूँ मैं कितना कवर कर पाऊंगा आज, बट मुझे जितना ज्यादा से ज्यादा हो ज्यादा से ज्यादा अपना रास्ता आज कवर करना है। थैंक यू। थोकला पे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अब आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन आगे बढ़ते हुए इस रास्ते में सबसे पहले इस फ्रोजन रिवर को क्रॉस करना था। कह सकते हैं आज की इस जर्नी का सबसे टफ पार्ट, जहाँ पे रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर इंजरी होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो बहुत केयरफुली इस पे आगे बढ़ना शुरू किया। थोकला की उस फ्रोजन रिवर को क्रॉस करने के बाद अब आगे बढ़ना शुरू किया और अब मेरा टारगेट था पेरिचे। आज की इस जर्नी में एक नई लोकेशन जिसको वापसी में एक राउंड ट्रिप भी कहा जाता है। सुना तो था कि पेरिचे का रास्ता बहुत सुंदर है, लेकिन वो इतना सुंदर होगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अब इस रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू किया तो अब मेरा पहला टारगेट है पेरिचे पहुंचना और उसके बाद आगे की जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी। आगे बढ़ते हुए कुछ और टूरिस्ट भी मिल गए जिनके साथ बात करते हुए ये रास्ता बहुत अच्छे से कटने लगा। एवरेस्ट की साइड जाते हुए डे 6 की जर्नी में मैंने इस रास्ते को देखा था और काफी हाइट से देखने पर यह पूरी माउंटेन रेंज बहुत अच्छी थी। और आप उस वीडियो में देख भी सकते हैं कि यह माउंटेन रेंज कितनी अच्छी थी, लेकिन हाइट से इस लोकेशन को देखना और यहां से उन माउंटेन पीक्स के टॉप को देखने का दोनों का एक अलग अलग व्यू था और ये दोनों ही एक्सपीरियंस बहुत अलग थे। और आगे का ये रास्ता बहुत सुंदर था, जहां पर एक तरफ बिल्कुल क्लियर हिल थी और दूसरी तरफ की हिल्स पे काफी सारा स्नो था और ये माउंटेन्स बहुत नजदीक थे, जहां पर टॉप टू बॉटम इनको क्लियरली देखा जा सकता था। पेरिचे का इस रास्ते का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है अभी तक के इस ट्रैक में, और मैं कहूंगा हर चीज यहां पर एकदम परफेक्ट लग रही थी। किसी भी तरफ देखो, हर तरफ एक नया व्यू, हर तरफ एक नया एक्सपीरियंस। Thank you.
और अगर आप एक नेचर लवर हो तो ये रास्ता आपको बहुत पसंद आएगा। मॉर्निंग में जब आज ये जर्नी स्टार्ट की थी तब मैं एक फ्रोजन रिवर पर चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते ये बिल्कुल चेंज हो गया और अब यहाँ पर ग्लेशियर का साफ बहता हुआ पानी मिल रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ये रास्ता और भी सुंदर होता जा रहा था और लग रहा था जैसे हर चीज एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं लग रही थी। एक इंसान की इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा आगे था ये व्यू और हर चीज यहाँ पे अपने होने का एहसास करा रही थी। ग्लेशियर का साफ बहता हुआ पानी और उस पानी के साथ आगे बढ़ते हुए उस पानी की आवाज को सुनना, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। डेढ़ से दो घंटे के इस रास्ते को कवर करते हुए अब हम परिचय पहुंचने वाले थे और अब साथ में चलते हुए दोस्तों की जर्नी यहीं पे खत्म हो रही थी, लेकिन मुझे यहाँ से आगे बढ़ना था। अब टाइम था उनको गुड बाय बोलने का और मैंने अपनी इस जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू किया और अब मेरा टारगेट था पेंगबोचे, तो मैंने अपनी इस जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू किया और इस व्यू से देखा जा सकता है कि ये कितनी अच्छी माउंटेन रेंज है और पेरिचे विलेज को भी देखा जा सकता है, वो काफी दूर था और मैंने अब आगे बढ़ना शुरू किया। गाइस, पेरिचे तक का रास्ता तो हमने कवर कर लिया और आपने वीडियो में भी देखा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा अगला टारगेट यहाँ से था पेंगबोचे, जहाँ पे आज की इस जर्नी में मुझे नाइट स्टे करना है। आगे का रास्ता मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया बिकॉज मोबाइल और एक्शन कैमरा दोनों की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और चार्जिंग के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत खूबसूरत था और एक से दिखने वाले कई सारे रास्ते थे। एक भी मिस्टेक वहाँ पे अलाउ नहीं है और वहाँ पर नेविगेशन स्किल्स आपकी बहुत काम आती हैं। अगर आप इस जर्नी पर आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ ऑफलाइन मैप जरूर रखें जिनसे शायद आपको नेविगेशन में हेल्प मिले। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड सब्सक्राइब माई FB पेज, लिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन पैनल। कल अपनी इस जर्नी को हम आगे दोबारा स्टार्ट करेंगे लुखला तक के लिए और आगे के एपिसोड की बात हम आगे करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।